आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर आशा वर्कर यहाँ लगभग 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली सरकार को कह रही है होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगे को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही है। जो आशा वर्कर का जो नेतृत्व कर रही है, जो लीडरशिप कर रही है, हमारे बीच में है कविता पटवारी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज इन्हें 8 दिन लगातार यहाँ जंतर मंतर पर अपनी स्टार्ट को कर रही हैं। उससे पहले 28 तारीख से लगातार इनकी स्ट्राइक चल रही है और ये दिल्ली सरकार को भी अवगत करा रही हैं और भारत सरकार को भी अवगत करानी है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। मैडम, आपको यहाँ कितने दिन हो गए लगभग? हम 28 तारीख से बैठे हुए यहाँ पे, हमारे को कम से कम 10-12 दिन हो गए यहाँ पे। आप 28 तारीख से लगातार स्ट्राइक पर हैं और आपको यहाँ जंतर मंतर पर कितने दिन हो गए? जंतर मंतर पर हमारे को 15 दिन हो गए हैं। आज 15 दिन हो गए, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके यहाँ बैठी हैं? हमारी मांग यही है कि हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो हमारे मानदेय मात्र 1500 रुपया दिया जाता है वो 10,000 रुपये किया जाए। अभी आपके मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी से भी बात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन क्या दिया है, बस वही है, वो ये कहते हैं कि भाई हम आपको मानदेय ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, मानदेय तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, जो आपको इंसेंटिव मिलता है उसको हम 3 गुना कर सकते हैं। हम 3 गुना का क्या मतलब होता है, अगर 3 गुना आप 30,000 रुपए भी करते हो वो ज्यादा है या हम 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं वो ज्यादा है? तो सरकार हमारी 10,000 की मांग क्यों नहीं मान रही, वो 30,000 हमें देने के लिए तैयार है, क्यों? वो कहती है कि ना तो ये काम होगा, ना ये इसका जो शर्तें रखी हुई है ये शर्तें पूरी होंगी, ना हम 30,000 रुपए देंगे। तो सरकार सभी हमारी आशा बहनें जो पूरी दिल्ली में 5,000 कार्यरत हैं, तो उनका यही कहना है कि हमें मानदेय नहीं, हमें मानदेय चाहिए, हमें जो इंसेंटिव साहब 3 गुना करना चाहते हैं हमें वो नहीं चाहिए। तो आपकी आगामी योजना क्या रहेगी इन धरनों को लेकर? हमारी योजना तो यही है, जब तक हमारा कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब तो हम दिन में बैठे, आगामी योजना ये कि हम रात के समय भी बैठेंगे और उन्हें हमें पूरी प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी और हमारा काम भी पूरा करना पड़ेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमें यहाँ पे अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम सब आशाएं भूख हड़ताल करने के लिए तैयार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहते भी है कि जो सबसे पीछे लाइन में बैठा हुआ है मैं उसको भी बराबर करके छोड़ूंगा, मगर सबसे पीछे सिर्फ ये आशा ही बैठी हुई है जो कि 24 घंटे काम कर करके भी सबको स्वास्थ्य के रूप में उनको कार्य कर रही है, मगर फिर भी इसी आशा का कोई ध्यान नहीं है उसको, तो इससे पीछे और कौन बैठा है? सरकार हमारे को एक बार ये भी बता दे, और इन्हीं आशाओं का ध्यान नहीं है तो वो और किसका ध्यान करेगी?